हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी क्लासेस। लास्ट वीडियोस में हमने जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी के एल्गल पिगमेंट एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ थैलस डिस्कस किया था। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मींस जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी की सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। फर्स्टली, जो एल्गी की में रिप्रोडक्शन होती है वो होती है बाय वेजिटेटिव भी हो सकती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मेथड से हो सकती है। फर्स्टली, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है एल्गी में बाय फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, प्रोपाग्यूल्स एक्सेट्रा, ये दो तीन मेथड से ही होती है। मेनली इसकी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल फ्यूजन एंड मियोसिस एब्सेंट होती है, तो इट कैन बी अकर थ्रू दी स्पोर्स। ये स्पोर्स के थ्रू होती है। स्पोर्स अब मोटाइल भी हो सकते हैं एंड नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर स्पोर्स मोटाइल है तो उसे हम कहेंगे जू स्पोर। इफ स्पोर्स आर नॉन मोटाइल उसे हम कहते हैं ए प्लानो स्पोर्स। फर्स्टली हम करेंगे जू स्पोर्स। जो जू स्पोर्स होंगे अब वो मोटाइल है, उनके पास कोई मोटाइल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होना चाहिए, जो है फ्लैजिलेट्स। और ये बता दिया मैंने मोटाइल स्पोर, और इसके एग्जाम्पल में आपने याद रखना है उडोगोनियम यूलोथ्रिक्स। उडोगोनियम में मल्टी फ्लैजिलेट होता है एंड यूलोथ्रिक्स में क्वाडी फ्लैजिलेट, मीन्स चार फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है अप्लैनोस्पोर्स। अप्लैनोस्पोर्स क्या है? ये नॉन मोटाइल स्पोर्स है, नॉन फ्लैजिलेट स्पोर्स है। इसकी आगे फर्दर सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि ओटोस्पोर्स, ये नॉन मोटाइल ही होंगे बट इनकी जो मॉर्फोलॉजी है एज ए सेम एज ए पेरेंट्स सेल, मीन्स ये अपने पेरेंट सेल की तरह ही दिखते हैं। इसकी एग्जाम्पल में आएगी क्लोरेला। सेकेंड वन इज हाइपनोस्पोर्स में हैविंग ए थिक वॉल। इन स्पोर्स की जो वॉल होती है वो थिक होती है ताकि ये अनफेवर कंडीशन को में भी सर्वाइव कर सके। एग्जाम्पल में क्लमाइडोमोनास। एंडोस्पोर में जो स्पोर्स है वो एंडोजीनियस, मीन्स अंदर वेजिटेटिव सेल के अंदर प्रोड्यूस हो गए। एग्जाम्पल में ब्लू ग्रीन एल्गी। एक्सोस्पोर में ये जो स्पोर्स है वो सेल वेजिटेटिव सेल के बाहर प्रोड्यूस होंगे, मीन्स एक्सोजेनसली, और इसकी एग्जाम्पल में भी ब्लू ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट इज नैनोसिस्ट। नैनोसिस्ट में जो सेल का कंटेंट है वो तो डिवाइड करता ही रहेगा विदाउट एनी सेल इनलार्जमेंट, मींस वहां पे सेल की कोई इनलार्जमेंट नहीं हो रही है। सेल अपना कंटेंट को डिवाइड कर करके एक स्मॉल स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं नैनोसाइट। इसके एग्जाम्पल में आप याद रखो कि नैनो मीन्स स्मॉल और एग्जाम्पल में भी माइक्रोसिस्टिस। सिक्स्थ वन इज मोनोस्पोर्स। मोनोस्पोर मीन्स मोनो मीन्स सिंगल, ये सिंगल स्पोर्स ही प्रोड्यूस होगा इनसाइड दिस प्रोरेंजियम। एग्जाम्पल में है बिट्रैकोस्पर्मम। लास्ट वन इज एकाइनाइट्स। एकाइनाइट्स भी ये क्या होते हैं? मॉडिफाइड स्पोर्स होते हैं। इनके पास भी थिक वॉल होती है ताकि ये अपने आप को इन अनफेवर कंडीशन में सर्वाइव कर सके। एग्जाम्पल में नॉनस्टॉक एंड एनाबिना। नेक्स्ट हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, मीन दो गैमीट की फ्यूजन होके एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं जायगोट, तो उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो एल्गी है उसमें तीन टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। आइसो मीन्स ये हो गए आइसोगैमस। फर्स्ट वन इज आइसोगैमस। आइसोगैमिट्स में जो गैमीट्स होंगे उनकी मॉर्फोलॉजी, उनका स्ट्रक्चर, उनका एक्टिविटी सभी सेम होंगे। हमें ये भी नहीं पता लग पाएगा कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, जैसे कि इस फिगर में बताया गया है ये दो गैमीट्स है, इन दोनों के स्ट्रक्चर भी सेम है, मॉर्फोलॉजी भी, एक्टिविटी भी। अब दोनों की फ्यूजन होगी और एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज जायगोट। उसे हम कहते हैं आइसोगैमस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वन इज एनाइसोगैमस। एनाइसो मीन्स दोनों गैमीट्स का क्या होगा, स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होगी, मीन्स एक बड़ा होगा एक स्मॉल होगा, और इन दोनों की फ्यूजन जब हो जाएगी तो एक नया स्ट्रक्चर बनेगा डेट इज जायगोट, और उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं हम, एनाइसोगैमस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
इसमें जो स्मॉल स्ट्रक्चर होगा उसे हम कहते हैं मेल गैमेट, जो लार्जर होगा उसे हम फीमेल गैमेट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओगैमस मोड ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सबसे एडवांस फॉर्म है और हाईली इवॉल्व मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है कि एक मोटाइल स्ट्रक्चर होगा, सेकेंड वन इज नॉन मोटाइल। जो मोटाइल स्ट्रक्चर है वो मेल गैमेट है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, एंथ्रीडिया एंथ्रीडियम, एंड जो फीमेल गैमेट है वो प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है, इन उडो इन उगोनियम। अब जब दोनों की फ्यूजन होगी, मींस जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के पास माइग्रेट होगा और एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज जायगोट, एंड उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं ओगैमस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और आपने इसकी एग्जांपल याद रखनी है, आइसोगैमस में क्लमाइडोमोनास, एंड आइसो में भी क्लमाइडोमोनास, और ओगैमस में उडोगोनियम वुचुइरिया। नेक्स्ट हम करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। फर्स्टली फूड, मोस्टली जो 70% ऑफ स्पीसीज होती हैं एल्गी की उसे हम एज ए फूड यूज करते हैं। एग्जाम्पल में लेमिनेरिया, क्लोरेला हो गया, नॉस्टॉक एक्सेट्रा। सेकेंड वन इज फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट में क्लोरेला एंड एंड स्पायरुलिना, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो रिच सोर्स है प्रोटीन का। इनको स्पेस ट्रेवल ट्रेवलर भी यूज करते हैं। जैसे कि जो क्लोरेला है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रीयूज कर लेता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड प्रोवाइड करता है एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन जब वो स्पेस में जाते हैं, इसलिए हम इसे यूज करते हैं इन ए स्पेस रिसर्च में। नेक्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो एल्गी यूज किया जाती है, क्योंकि जो एल्गी के पास है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन आपने ये याद रखने हैं, फाइकोक्लाइड्स। फाइकोक्लाइड्स में फर्स्ट वन इज अगर 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 हमें रेड एल्गी से प्रोड्यूस होता है, उनका क्या नाम है, जेलिडियम याद रखना, एंड ग्रेसिलेरिया। ये दो आपने रेड एल्गा याद रखने हैं जिनसे हमें अगर अगर प्रोड्यूस होता है। अगर अगर को हम यूज करते हैं इन कल्चर मीडिया में, या सीजिंग ऑफ टेक्सटाइल या पेपर में, इनमें यूज करते हैं। नेक्स्ट आपने प्रोडक्ट याद रखना है एल्गिन। एल्गिन यूज किया जाता है स्टेबलाइजिंग द इमल्शंस, मीन शेविंग क्रीम में, आइसक्रीम्स, जेलीज, इसमें यूज किया जाता है। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ब्राउन एल्गा से, मीन्स फियोफाइटा से। इस एग्जाम्पल है लैमिनेरिया, फकस एंड सार्गेसम। ये आपने याद रखना है कि अगर कौन सी से प्रोड्यूस होता है, एल्गिन। अगर होता है रोडोफाइटा से, एल्गिन होता है फियोफाइटा से। नेक्स्ट वन इज कैराजिनिन। कैराजिनिन होता है प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉन्ड्रस, ये आपने याद रखना है, कॉन्ड्रस एल्गा, विच इज यूज एज ए इमल्सिफायर एंड क्लियरिंग एजेंट। नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन रेड एल्गा, ब्राउन एल्गा एंड ग्रीन एल्गा। मेनली आपने दो डिफरेंस याद रखने हैं इसमें, एक तो क्लोरोफिल कौन सा प्रेजेंट होगा, रेड में ए और डी, ब्राउन में ए एंड सी, एंड ग्रीन में ए एंड बी, ये याद रखने हैं। और सेकेंड वन इज इनका फूड, एंड सेकेंड वन इज रिजर्व फूड याद रखना है। रेड एल्गा में फ्लोरिडिन स्टार्च, ब्राउन एल्गा में लेमिनेरियन स्टार्च, ब्राउन एल्गा में लेमिनेरिन, एंड ग्रीन एल्गा में स्टार्च। और एक और मेन पॉइंट है, जो फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट होते हैं ओनली इन रेड एल्गा, ब्राउन एल्गा एंड ग्रीन एल्गा में ये एब्सेंट होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके पास कोई भी डाउट भी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। थैंक यू।